वेल गाइज एवरीबॉडी, सबसे पहले तो मैं आपको वो डिफरेंस बता दूं। जैसे आप लोग अगर हिंदी में सोचते हैं तो कुछ सेंटेंसेस है, जैसे आपने बोला कि मैं वहां गया था, ये सेंटेंस है। सेकंड है मैं वहां था। और थर्ड सेंटेंस है कि मैं वहां जा रहा था। अब चूंकि कई लोग हिंदी में ही सोचते हैं, मन में हिंदी है, तो उन्हें लगता है कि यार मैं वहां गया था यहां भी था है, मैं वहां था यहां भी था है, और मैं वहां जा रहा था यहां भी था है। तो उनके दिमाग में तो ये बैठ चुका है ना कि था का मतलब क्या होता है, या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो या तो सब में वॉज लगाएंगे, मैं वहां गया था, आई वॉज यहां भी लगा देंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कहां वॉज लगाना है कहां नहीं लगाना है, वो हमें देखना है। जब आप देखें कि मैं वहां गया था, वो आई थी, मैंने उसे चाटा मारा था, तो इस था को भूल जाइए। इसके बगल में एक्शन देखिए, ये मारा, गया, पीटा, इस पर अगर एक्शन खत्म होगा तो ये आपका था नहीं गिना जाएगा, ये सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म माना जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर अंग्रेजों की तरह सोचे तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि सब्जेक्ट ने पास्ट टाइम में किसी काम को किया, तो किया मतलब मारा, खत्म, एक्शन फिनिश्ड। तो ऐसे आपको सोचना होगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने उसका कॉलर पकड़ा था, तो इस था का कोई लेना देना नहीं है, पकड़ा आप समझिए, बस वो सेकेंड फॉर्म। अब यहां पर है कि मैं वहां था, इसमें भी था है। अब ये जो है इसमें आप देखें तो कोई एक्शन नहीं है, यहां पर गया था में गया एक एक्शन है। तो ये जो है ये नॉर्मल वाजवर है, इसकी इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा। सब्जेक्ट चोर होगा, डाकू होगा, उदास होगा, कमरे में होगा, छत पर होगा, जैसे कि मैं वहां था, तो कोई एक्शन नहीं है। मैं उदास था, मैं मोटा था, तुम मेरे दोस्त थे, वो मेरी दुश्मन थी, तो इसमें वाजवर लगता है, याद रखिएगा, इसमें वाजवर लगेगा, वाजवर लगेगा। यानी कि वाजवर सिर्फ दो जगह आपको दिखाई देने वाला है, कहां पे, स्टेट ऑफ बीइंग, जहां पर सब्जेक्ट की अवस्था बताई जा रही है कि वो अमीर था, गरीब था, चोर था, मोटा था, अवस्था बताई जा रही है, वहां वाजवर लगेगा। ऐसे बोलो कि मैं 10 मिनट पहले बस स्टॉप पे था, यानी कि मेरी अवस्था है, मेरी पोजीशन बता रहा है कि मैं कहां पर था, तो बस स्टॉप पर था, ये वाजवर है, इसमें एक्शन नहीं है। तो मैं वहां था कैसे होगा, आई वॉज देयर, मैं वहां था, ठीक है। अब है कि मैं वहां जा रहा था, तो ये जो रहा था है ना, ये भी वाजवर है। तो वाजवर आपको दो जगह दिखाई देने वाला है, एक सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा था, उसकी अवस्था क्या थी, और सेकेंड कि सब्जेक्ट पास्ट टाइम में कुछ कर रहा था, मोशन में था, जैसे कि मैं सो रहा था, मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था। तो तीन जगह था दिखाई दे रहा है, इसमें दो जगह वाजवर लगाना है, एक जगह नहीं लगाना है। किसमें नहीं लगाना है, जिसमें गया, खाया, पिया, पकड़ा, मारा, ये जो है उसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाना है, जिसमें एक्शन हुआ, किया, किस सब्जेक्ट ने एक्शन किया। बेशक था दिखाई दे रहा है, बट हम उस था को वाजवर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहां जो दो है, एक में एक्शन नहीं हो रहा है, मैं वहां था, और एक में एक्शन मोशन वाला एक्शन हो रहा है, रो रही थी। यानी कि वाजवर दो जगह दिखाई दे रहे हैं, एक बिना एक्शन के और एक एक्शन लेकिन कंटिन्यूटी वाला, ठीक है। तो अगर मैं बोलू कि मैं कमरे में था, तो यह कैसे होगा, आई वॉज इन द रूम या इन माई रूम। और मैं कमरे में गया था, I went to the room. और मैं कमरे में जा रहा था, I was going to the room. तो ये एक कंफ्यूजन दूर है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। फाइन, अब गाइज जब आप स्टोरी बोलेंगे, कोई भी स्टोरी बोलेंगे, तो उसमें कुछ मसाले चाहिए, जिसे हम कनेक्टर्स कहते हैं। एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में कुछ जोड़ने के लिए कुछ चीज चाहिए, जिसमें से कुछ तो आप जानते होंगे। जैसे अगर आपको बोलना है अचानक, तो आप कहते हैं सडनली। इसको सडनली की जगह एक और चीज कहा जाता है, इसको बोलते हैं ऑल ऑफ अ सडन। ये आपको दिखाई देगा किसी कहानी वाले किताब में, अकबर, बिरबल, प्यासा कौआ,
हाँ उस तरह का ना, तो ऐसे भी दिखाई दे सकता है। तो ये तो हो गया अपना जो रोज हम बोलते हैं, ये एकदम प्रोफेशनल टाइप ना, एकदम सूट बूट पहना हुआ जो है उस तरह का ये शब्द है, ये पूरा फ्रेज है एक, ऑल ऑफ अ सडन, इसका मतलब भी होता है अचानक। सेकंड हम यूज करते हैं तभी, तभी अगर तभी बोलना है कि मैं वहां गया तभी बारिश हो गई या कुछ भी, तो तभी को बोलते जस्ट देन, जस्ट देन। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हर या हिम, तभी उसके पापा आ गए, जस्ट देन हिज या हर फादर केम, तभी। अगर बोलना है उसी बीच में, इसको बोलते इन द मीन वाइल, इन द मीन वाइल, इन द मीन टाइम भी आप कह सकते हैं, इन द मीन टाइम। और इन द आप नहीं भी लगाएंगे तो मीन वाइल भी ऐसे भी चलता है। हाँ मतलब इन द मीन टाइम या इन द मीन वाइल, जैसे मैं बोलूं कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू माई वाइफ, उसी बीच मेरा बेटा मेरा मोबाइल यूज कर रहा था, तो या तो मैं खाली मीन वाइल कह सकता हूं या इन द मीन वाइल या इन द मीन टाइम, मतलब बिना इन द के भी आप कह सकते हो मीन वाइल, लेकिन मीन टाइम बोलने में आपको इन द लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने सिर्फ मीन वाइल बोला कि मीन वाइल माई सन वॉज यूजिंग माई मोबाइल, तो समझ में आ रहा, कोई काम हो रहा है उसी बीच में, उसी प्रोसेस के दौरान कुछ और भी हो रहा है, तो आप ये लगाएंगे। तो छोटे छोटे कनेक्टर्स हैं, एक आपका कनेक्टर है, आपको बोलना है कि तुरंत, तुरंत ही, तुरंत मैं उसे ले गया वहां पर, तो तुरंत के लिए एक इंग्लिश होती है एट वंस, आप उसे कह सकते हैं इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, आप तुरंत को यूं कह लो कि पल भर में, यू नो पल भर में, ऐसे भी कह सकते हैं पल भर में वो चला गया, इंस्टेंटली। आप इसे एक फ्रेज के रूप में कह सकते हैं कि इन एन इंस्टेंट, अब आपकी मर्जी आप क्या बोलते हो। जैसे मैंने उसे, दिखाई दे रहा है, अच्छा लाइट है, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर बोलना है कि मैंने उसे गाली दी, आई अब्यूज्ड हिम, पल भर में उसने मुझे चाटे मार दिए, तो पल भर में या तो इंस्टेंटली ही स्लैप्ड मी, या इन एन इंस्टेंट ही स्लैप्ड मी, हाँ इन एन इंस्टेंट या एट वंस, तुरंत, फाइन। और मसाला देखें, हाँ इन द मीन वाइल भी कह सकते हैं और अकेला मीन वाइल भी कह सकते हैं, बट मीन टाइम में इन द मीन टाइम लगाना पड़ता है, इन द मीन टाइम, अकेला बड़ा अजीब है, मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, मीन वाइल को आप चाहो तो अकेला बोलो, क्योंकि न्यूज़पेपर में मीन वाइल अकेला आता है, मीन वाइल हो गया। एक होता है बोलते हैं कि बड़ी जल्दी में या बड़ी जल्दीबाजी में मैं वहां पर गया, बहुत जल्दी में वहां पर गया, इसको एक फ्रेज के रूप में देखते हैं, इन अ हॉट हेस्ट, इन अ हॉट हेस्ट। जैसे आप कैसे बोलोगे कि बड़ी जल्दी में मैंने उस काम को कंप्लीट किया, सो आई कंप्लीटेड दैट वर्क इन अ हॉट हेस्ट, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इन अ हॉट हेस्ट। यहां कुछ देखते हैं, अगर आपको बोलना है दिन दिन दहाड़े, ऐसे बोलते हैं ना, yes, सही लिखा है हिंदी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन अ, इन अ ब्रॉड डे लाइट, हाँ जी, इन अ ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े उसने उसको चाकू मार दिया, ही स्टैब्ड हिम इन अ ब्रॉड डे लाइट। ठीक है जी, या आप अपने स्टोरी के बीच में ला सकते हैं, एक चलता है जैसे पलक झपकते ही, पलक झपकते ही, तो इसको बोलेंगे इन द
ट्विंकलिंग, इन द ट्विंकलिंग, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही उसने मेरे इंसल्ट कर दी. ही या शी इंसल्टेड मी इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. मतलब ऐसे. ओके, समझ में आ रहा है? फाइन फाइन. अब आपको ड्यूरिंग पता है ना? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है किसी चीज के दौरान. तो जब भी आप स्टोरी बोलोगे तो ये आप बीच में लगाओ कि मैच के दौरान मैं चाय पी रहा था. सो आई वॉज हैविंग टी ड्यूरिंग द मैच. ड्यूरिंग द मैच हैविंग टी या टेकिंग टी. कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने कुछ नहीं कहा. आई डिडंट से एनीथिंग ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. ड्यूरिंग समझ में आ रहा है? एक आइटम है वाइल. ये भी स्पोकन इंग्लिश में तो चाहिए चाहिए. वाइल, वाइल के दो इस्तेमाल होते हैं. मैं आपको जो सबसे ज्यादा चलता है वो बता रहा हूं. एक ही इस्तेमाल से कहूंगा आपको. वाइल का मतलब है कुछ भी करते समय, जैसे कि कार चलाते समय. वाइल, हाँ, जब आप वाइल यूज करेंगे तो याद कीजिए, याद रखिए, वाइल के बाद आपको वर्ब में आई एन जी लगाना है, प्लस जो भी उसका उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा. तो कार चलाते समय, वाइल ड्राइविंग द कार, वाइल ड्राइविंग द कार बहुत यूज होता है. न्यूज़पेपर में तो आपको कोई भी आप आर्टिकल पढ़िए, वाइल दिखाई देगा. चाय बनाते समय, वाइल मेकिंग टी. अब इसमें आप कहानी बनाओगे ना कि चाय बनाते समय मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था. कैसे बोलेंगे कि आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब चाय बनाते समय, वाइल मेकिंग टी. कार चलाते समय मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था. आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड वाइल ड्राइविंग द कार. ठीक है जी, ऐसे. हाँ, इसलिए मैंने कहा कि दो मतलब है इसका, तो मैं एक ही सिखा रहा हूँ. वो जबकि वाला के लिए भी एडवांस क्लास में सीखेंगे. इसके दो मतलब है. और न्यूज़पेपर में वो दूसरा वाला मतलब ज़्यादा आता है, जबकि वाला खूब आता है. एडिटोरियल वगैरह में तो वही आता है. हो गया. तो इस पर आप स्टोरी बनाएंगे. चलिए मिटाओ, मैं इसे स्क्रीनशॉट लेना है. ठीक है, ओके. देखिए, बिफोर, जब बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो बिफोर के बाद जनरली आप वर्ब में आई एन जी लगाइए, प्लस इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा. जैसे आपको बोलना है कि खाना खाने से पहले, इतना सिर्फ बोलना है, खाना खाने से पहले, तो कैसे बोलेंगे? बिफोर ईटिंग फूड. ऐसे. तुमसे बात करने से पहले, बिफोर टॉकिंग टू यू. यहां आने से पहले, बिफोर कमिंग हेयर. कमिंग हेयर, ये छोटे छोटे जो जुमले हैं आपको पता होना चाहिए. आफ्टर वाला ले लेते हैं. आफ्टर के बाद वर्ब में आई एन जी लगाइए, प्लस इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा. खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड या हैविंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड. तुमसे बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग टू यू, आफ्टर टॉकिंग टू यू, आफ्टर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू. हो गया जी. अब एक है, इसको बोलते हैं सून आफ्टर. सून आफ्टर, ये भी सीख लीजिए. सून आफ्टर, सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद. तुरंत बाद, जैसे आपको बोलना है
एक्सीडेंट के तुरंत बाद ड्राइवर भाग गया, तो तुरंत बाद यानी कि सून आफ्टर द एक्सीडेंट, सिर्फ इतना सा जो फ्रेज है ना, सून आफ्टर द एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद, बाकी सेंटेंस जोड़िए, ड्राइवर भाग गया, द ड्राइवर रैन अवे या फ्लेड, ऐसे कह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आपके जो फ्रेजेज हैं आने चाहिए। मीटिंग के तुरंत बाद, सून आफ्टर द मीटिंग, ऐसे बोलेंगे। हाँ बोल सकते हैं, वेंट अवे का मतलब होता है कि चला गया, भाग गया, तो या तो रैन अवे या फ्लेड, फ्ली, एक्चुअली एक वर्ड होता है फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। तो इसका जो आप सेकेंड फॉर्म करोगे तो फ्लेड हो जाएगा, मतलब भाग गया। तो न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड ज्यादा चलता है, हो गया। चलिए लवली, और सून आफ्टर की जगह किसी किसी न्यूज़पेपर में आपको शॉर्टली आफ्टर भी दिखाई दे सकता है, बट सून आफ्टर बोलने का अलग ही मजा है, सून आफ्टर कभी दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना, अच्छा तुरंत बाद। ये कनेक्टर्स हैं, ये बीच में आते हैं, ये बहुत जरूरी है। एज यूजुअल पता है ना, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, ये सब कनेक्टर्स छोटे छोटे, हमेशा की तरह, as if now, वो तो अब तक का है, हमेशा की तरह, ठीक है जी। अब प्रैक्टिस करेंगे हम, ओके बेटा ये। सो गाइज, वक्त आ गया है स्टेज पर आने का, करना क्या है मैं आपको समझाता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2 या 4 मिनट और। मुझे दो लोग चाहिए स्टेज पर, 2 पीपल, ओके 2 पीपल। अब देखिए, 2 लोग चाहिए। आपको पता है कि हम अभी स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, अभी हमारा कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा है, तो मैं जो सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, ये सीखने के बाद आप खुद पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बंदा जो इधर खड़ा है, ये एक झूठी कहानी चालू करेगा, झूठी कहानी कि कल मैं बाजार गया, अचानक मैंने देखा वहां एक लड़का आया, उसने किसी को चाकू मार दिया, ऐसी झूठा कुछ बोलेगा वो, 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन जितना उसे हो सकता है। ये बोलने के बाद वो रुकेगा, और जहां वो रुकेगा उसी कहानी को ये बंदा चालू करेगा। जैसे ये करने का पहले मैं फायदा समझा दूं, फायदा क्या होगा, इससे आपकी स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाएगी। आप 1 घंटे भी बैठ करके अपने आप 2 लोग मिलकर अंग्रेजी बोल सकते हैं, अपनी गाड़ी आप खुद चलाएंगे, गलत होने के भी चांस है कि कोई देखने वाला नहीं होगा अगर अकेले करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे स्टार्टेड लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो काफी हद तक अपनी गाड़ी आप चला पाएंगे। और क्लास में तो टीचर साथ देगा, बाहर तो कोई साथ नहीं देगा। तो जैसे मैं बोलूं कि कल मैं बाजार गया और मैंने अपने दोस्त को देखा, मैं अपने दोस्त से बात करने लगा, अचानक उसकी मम्मी आ गई और मैं चुप हो गया, फिर मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया कि भाई अब तू बना। अब वो वहीं से करेगा, मम्मी आ गई से, अब बोलेगा कि अचानक उसकी मम्मी आ गई, मम्मी ने हमसे पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, चलो घर चलो, बगल में घर है, तो हम घर चले गए, फिर खाना पीना खाया, फिर आप वहां पर रुकेंगे, फिर ये आगे कुछ करेगा। तो वो उस कहानी को तब तक खींचना है जब तक आपको ये ना लगे कि अब नहीं खींचा जा रहा है, अब झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर आप अगली कहानी चालू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसे करके अभी आप परफॉर्म करके दिखाएंगे। 2 लोग चाहिए, एक आप आ जाइए और आप आए, ट्राई करें। इस प्रोग्राम का नाम पता है ना क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है चेन स्पीकिंग, चेन स्पीकिंग, चेन बनाना है, चेन चलती रहेगी। Yesterday आई went to मार्केट, देन आई purchased some vegetable. Then I saw one my old friend also purchasing vegetable. Suddenly his mother came. Then
his mother then I told him that please come to my home because but she was not agree to my insisting. I was continuously insisting her that please come to my home and my home is very nearby to the market. So after insisting a lot, she came with me on auto e-rickshaw to my home. When she reached my home, my parents welcomed her and welcomed very warmly her and sir breakfast kiya matlab sab kuch and they had breakfast okay they no they had snacks wagera ha ha to nashta okay they had some snacks my parents warmly welcomed him her and had breakfast snacks she was very happy when to see my parents and we both had a long conversations we started remembering our school days that how we used to spend times together but now it has been a long time that we met and I also started asking her that what matlab about the other friends and transfer karna hai aapko okay so next to you आपको सामने वाले की स्टोरी सुननी है किसने कहा क्या नाश्ता पानी हुआ ना उसके बाद नो आफ्टर देयर वी बोथ हैड द कन्वर्सेशन ठीक है बातचीत हुई इसके बाद कहीं चले गए क्या हम फिर बाहर चले आफ्टर दैट आई वेंट टू अट्टा मार्केट देन आई परचेज सम विंटर क्लोथ्स देन आई वेंट टू जीआईपी I roaming here and there then I thought we went to I idhar udhar chalna theek hai bas kaafi wahan kehte ja ke momos khaye so guys ab aap dhyan dijiye aap log kal se aap log story mein ek kadam aur aage badhenge chain speaking ko perform karenge अब तक आपने सीखा है स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म आपने सीख लिया वाजवर के दोनों वर्जन सीख लिए और आस्क्ड और सेड ये सब सीखा है ना yes. इतने पे एक चेन तो बनता है बॉस चेन तो आप कर ही सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ सर अब मैं छोटी छोटी कहानी बोल सकता हूँ जैसे कुछ भी मैं सुबह उठा फ्रेश हुआ बाजार गया कुछ भी आप अगर बोलने लायक होंगे फिर हम आगे सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस नाम तो सुना होगा आपने वो सीखेंगे फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट का खत्म फिर स्टोरी में खत्म होगा फिर हम आएंगे उसके कॉन्वर्सेशन वर्जन पे सवाल पूछने में तो लगेगा चेन वाला रोज चलेगा एवरीडे ये एवरीडे चलेगा हाँ क्योंकि चेन से आपकी स्टोरी अच्छी हो जाएगी फिर ऐसा हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा आप किसी को पढ़ा भी सकते हो घर जा करके यहाँ से पढ़ो वहाँ जाके पढ़ा दो एनीवेज तो बस वहां जो लोग मुझे देख रहे हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गाइस